हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी काम क्या हुआ है, बेसिकली जो डस्ट का काम था ना, वो हो गया पूरा। और यानी झाड़ू पोछा डस्टिंग वो हो गई है। कपड़े भी आज से धोने के थे, वो धो चुकी हूँ और एक बार मशीन के धुल चुके हैं और दूसरी बार मशीन लगा रखी है। और एक मिनट, और नहा के और अभी मैं सिर धो के चुन्नी लपेटी हुई, क्योंकि मेरे को जाना है किचन में। और किचन में अब जैसे जिस दिन सिर धोते हैं ना, उस दिन बाल बहुत निकलते हैं, तो अभी गीले बाल हैं, तो इसलिए मैंने चुन्नी लपेटी हुई है। तो किचन में जाना है तो सब्जी बनानी है, मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। और वैसे तो भिंडी की है ना रेसिपी कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, बाकी आज भी थोड़ी सी शेयर कर लेती हूँ। और अभी जो वोटिंग का जो टाइम आ रखा है ना, लाउड स्पीकर है ना, इतनी तेज़ रखते हैं ना, मतलब क्या ही बोलूँ इन लोगों को, हद ज़्यादा तेज है। तो अभी तलन सब नहा रहे हैं और आज फिर थोड़ी सी ना बुखार की शिकायत हो रही है, बहुत कड़वा हो रखा है। और अभी मैंने कॉफ़ी बना के पी थी, वो भी टेस्टलेस लगी थी। तो अभी हम गए हुए थे दो दिन से बाहर, और दो तीन दिन अगर कहीं चले जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है घर में जब आते हैं, और जिसको ना करना उसके लिए तो काम फैलता ही नहीं है। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, घर का काम हो जाता है, थकान भी हो जाती है। तो और भाई मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बाकी जिसने नहीं करना उसे नहीं करना। तो आप लोग बताना कि आप लोग जब कहीं घूमने जाते हो तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? जब आते हो घर पर तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो अभी चलेंगे किचन में और सब्जी छोंक के और आटा भिगो के गाय की रोटी निकालनी है, और फिर बस लेटूंगी। और पहले तो थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और फिर उसके बाद ये एडिटिंग करूंगी, और फिर रोटी अभी खानी नहीं है। तो उसके बाद टाइम हो जाएगा, अभी टाइम 11 बज रही है, तो 1 बज जाएगा, जब तक 1:30 बज जाएगा उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। तो ऐसा और तलन सब नहा रहे हैं तो, और गर्मी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जैसे पहले ना ह्यूमिडिटी की गर्मी थी, बीच में बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया था। तो अभी दो तीन दिन से ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, तो गर्मी एसी शायद फिर से चलाने पड़ेंगे। तो जहाँ हम घूमने गए थे यानी वृंदावन घूमने गए थे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी वहाँ तो, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो गर्मी तो ऑब्वियसली थी ही थी। तो अभी चलते हैं किचन में। अब यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है, और इसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। और सूखी सब्जी भी, कोई भी सूखी सब्जी बनाते हो या भिंडी की सब्जी बनाते हो तो मस्टर्ड ऑयल में ना बहुत टेस्टी बनती है। तो बाकी आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे गरम तेल होने के बाद इसमें डाल दिया है साबुत धनिया और जीरा और 2 साबुत लाल मिर्च। तो इसको क्रैकल होने के बाद इसमें आप लहसुन और प्याज डाल सकते हो, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रफली चॉप किए हुए हैं प्याज, और थोड़ी ना जैसे लंबी लंबी स्लाइस काट देते हैं ना, ऐसे मैंने काट रखी है। बाकी आप बारीकी भी काट सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो क्या होता है कि कोई भी अगर सब्जी या कोई भी मिठाई वगैरह बनाते हो ना, बेसिक सा फंडा पता होना चाहिए, बाकी तो आप अपने तरीके से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। अब प्याज को थोड़ा सा हल्का सा सोटे किया है, और बिल्कुल पूरा कलर चेंज नहीं किया है, बल हल्का सा सोटे किया है। अब इसमें डाल देनी है भिंडी, और ये जो भिंडी है मैं 2 से 3 बंदों के लिए बना रही हूँ। तो आपके पास जैसे भी सब्जी आपने बनानी हो उसके हिसाब से मसाले एडजस्ट कर सकते हो। तो भिंडी को ना प्याज के साथ अच्छे से हाई फ्लेम पे हाफ जो है वो भून लेना है। तो जब तक इसका ना जो लिसलिसापन है ना वो ख़त्म नहीं होता ना, तब तक हमने इसको भून लेना है। तो अब यहाँ पे आपने बेसिक से मसाले ऐड कर देने हैं, जो भी आप मसाले खाते हो वो ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक, और इसमें आप अगर चटपटा बनाना चाह रहे हो ना, मसालेदार बनाना चाह रहे हो, तो इसको हाई फ्लेम पे भून के और फिर इसमें सारे मसाले ऐड करना है। तो यहाँ पे बेसिक मसाले क्या है, हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर और गर्म मसाला है।
तो धनिया पाउडर और साबुत धनिया के ना टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, खुशबू में भी फ़र्क आ जाता है। तो ये ना सोचना कि पहले साबुत धनिया भी डाल दिया और अब पिसा हुआ धनिया भी डाल रहे, तो दोनों की अपना अपना अहमियत है, तो आप दोनों ज़रूर से ऐड करना। और अब ये जो भिंडी है मसाले के साथ एक बार भून के और सिम आँच करके और 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। और अब आपको दिखाती हूँ ये जो भिंडी है ये बन के होगी है रेडी। अब ये देखो बहुत बढ़िया खिली हुई और बिल्कुल सूखी सूखी सब्जी बन के ये रेडी होती है। और बाकी यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब गैस को कर देंगे बंद और भिंडी भैंजी जो है वो बन के होगी है रेडी। अब होगी है थोड़ी सी शाम, थोड़ी सी शाम होगी है, तो आज हम बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि ये जो नारियल है ये माता के प्रसाद का नारियल है, तो बेसिकली इसको तोड़ना था और इसके मैं बनाऊंगी लड्डू। तो यहाँ पे नारियल भी ले आए हैं और मैं चाय भी बना लाई थी, तो अब बस अब वही बैठ के बाहर प्लांट्स के पास बैठ के और तब वो चाय का एंजॉय कर रही हैं और ठंडी 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 जो हवा चल रही है, तो ये दोनों काम हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे वही काम कर रहे हैं हम। उसी से कर ले पेच कसता। अब बात आ गई है डिनर की, और डिनर में ना वैसे ही हम रात को ना खाना ना के बराबर खाते हैं, बस कभी थोड़ा बहुत थोड़ा चेंज कर लिया। यानी आज मैं जो बना रही हूँ ना वो ये सेवैयाँ है और हाथ से तोड़ी हुई ये सूजी की सेवैयाँ है, तो इनको बॉयल करके और तब मीठे के साथ इनको खाएंगे। तो शाम को ऐसे कुछ होता नहीं है कि भाई भूख लगी हुई है रोटी सब्जी खा ले, तो हम ज़्यादातर एक ही टाइम खाते हैं। तो अब यहाँ पर जो सेवैयाँ ली है उसे ट्रिपल हमने पानी लेना है, बेसिकली हमने ये बॉयल करनी है और पानी को निकाल देना है। तो आगे मैं बताऊंगी ये कैसे करना है। तो बस ये जल्दी सी बन जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। और ये जो बची हुई सेवियाँ हैं ढक्कन बंद करके और इसको रख दूंगी मैं फ्रिज में। और सेवियाँ तो बेसिकली मैंने और तोड़नी है, लेकिन मुझे टाइम लग नहीं पाता, कुछ तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, तो इस वजह से चलो कोई ना आगे देखते हैं। तो अब इसमें ना जैसे बॉयल आ जाए ना तो इसको मीडियम आँच पे 1 से 2 मिनट इसको छोड़ देना है, तो फिर ये उबल जाएंगी, बहुत जल्दी उबल जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये उबल चुकी हैं, तो अब फ्लेम को कर देंगे बंद और इसमें डाल देंगे ठंडा पानी, क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको छान लेते हैं, लेकिन इसमें ठंडा पानी डाल के और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, और फिर बस ये बन जाएंगी। बहुत टेस्टी बनती है, आप शक्कर के साथ खा सकते हो, खांड के साथ खा सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। और दही में तड़का डाल के और तड़के वाली यानी बेसिकली दही बना के उसमें भी मिक्स करके इसको खा सकते हो। कोई भी सब्जी आपके पास सूखी सब्जी कोई भी बची हुई है आप उसमें मिक्स करके खा सकते हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इनको ना हम उबाल के और मीठे के साथ खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आज इसको खाएंगे शक्कर के साथ। तो यहाँ पे ना ठंडा पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस है ना वो हमने बेसिकली ख़त्म करना, नहीं तो ये बिल्कुल सोगी सोगी हो जाएंगी, तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, यानी ओवर कुक हो जाएंगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो बस यहाँ पे ये ठंडा पानी करके और इसको बिल्कुल ठंडा
कर लेंगे। तो ये जो सेवैयाँ ना ये बहुत टेस्टी लगती हैं, और सूजी की सेवैयाँ तो वैसे भी थोड़ी हेल्दी होती हैं और टेस्टी तो ऑफकोर्स होती हैं, और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों का तो एक सुकून ही भाई अलग होता है। तो ये देखो ये बिल्कुल खिली खिली है, और जैसे इनको तोड़ती हूँ ना तो इनको स्लो आंच पे भून के, घी डाल के भून के, और तब मैं ठंडे करके टाइट कंटेनर में डाल के और फ्रिज में रख देती हूँ, तो पूरा साल ये यूज़ होने लायक बन जाती हैं। तो चलिए अब ये देखो ये सेवियाँ बन गई हैं और खाने के लिए रेडी हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ इनको ज़रूर से बना के रखा करो, पूरा साल ही इनका इंजॉय किया करो, चाहे आप नमकीन बनाओ, चाहे आप मीठे के साथ खाओ, चाहे आप इसको दूध में बनाओ, तो आपकी अपनी च्वाइस है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग में, नई ऊर्जा के साथ एक और नए कंटेंट को लेके आऊँगी, होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तो तब तक क्या करना है, बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो, और अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, हेल्दी सा बनाना, हेल्दी खाना है और हेल्दी ही रहना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक और नए दिन में।